नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज मैं अपनी गाड़ी बाहर धोने आया था एंड मैंने थोड़े स्क्रैचेस नोटिस किए यहाँ पर और दरवाजे के नीचे। जैसे कि यहाँ पर स्क्रैचेस साफ दिख रहे हैं, जो कि हम जब अपने गाड़ी के हैंडल खोलते हैं तो अपने फिंगर नेल से ये स्क्रैचेस आ जाते हैं, और यहाँ ऊपर भी होते हैं एंड कुछ नीचे भी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन स्क्रैचेस को बहुत ही आसानी से कैसे रिमूव करते हैं। सो इन स्क्रैचेस को निकालने के लिए आपको एक वन स्टेप फिनिश कंपाउंड चाहिए होगा। ये 3M का है एंड ये शायद 150 से 200 रुपये का आता है एंड ये बहुत टाइम चल जाता है क्योंकि थोड़ा सा ही यूज़ होगा यहाँ पे डोर हैंडल। सो जो भी चीज़ें मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा उनका नीचे अमेजोन लिंक है, अगर आपके आसपास ये सेम प्रोडक्ट नहीं मिले तो। सो 150 से 200 रुपये के आप इसको अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो इन स्क्रैचेस को निकालने के लिए आपको एक कपड़ा चाहिए होगा, अगर माइक्रोफाइबर है तो और भी अच्छा है क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे फाइबर्स हैं, इससे पॉलिश अच्छी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो पेंट का सरफेस होना चाहिए जहां हम पॉलिश करेंगे वो साफ होना चाहिए। तो आप या तो गाड़ी को धो सकते हो एंड 1 घंटा वेट कर सकते हो, क्योंकि इनडोर हैंडल में थोड़ा थोड़ा पानी होगा तो पॉलिश अच्छे से नहीं होगी। सो अगर आपके पास अल्कोहल है, जो कि आजकल मेरे को लगता है सबके पास होगा क्योंकि ये वायरस की वजह से, तो अगर ऐसा कोई अल्कोहल है आपके पास तो डोर हैंडल को पहले इससे आप साफ करोगे क्योंकि ये जल्दी ही इवेपोरेट हो जाता है तो कोई मॉइस्चर नहीं रहेगा। सो मोस्टली घरों में ग्लास क्लीनर तो ज़रूर होता है, कॉलिन नहीं है तो कोई भी ग्लास क्लीनर चलेगा, उससे आप अपने डोर हैंडल के अंदर जहाँ पे हमने पॉलिश करनी है उसको आप इससे साफ करोगे। सो जहाँ जहाँ पॉलिश करनी है हम उस पेंटेड सरफेस को पहले इससे साफ करेंगे। सो एक कपड़ा लो एंड 2 फिंगर से आप इसको ऐसे रैप अराउंड कर सकते हो ताकि आप इसे पॉलिश ढंग से कर पाओ। इससे आप अब आराम से अंदर और ऊपर नीचे पॉलिश कर सकते हो। ज़्यादा प्रेशर मत यूज़ करना, थोड़ा सा हल्का मीडियम प्रेशर से भी ये स्क्रैचेस आराम से हट जाएंगे। सो हो सकता है आपको ये 1-2 बार करना पड़े बट ये स्क्रैचेस सारे हट जाएंगे। सो मैं स्क्रीन पर अभी कुछ बिफोर एंड आफ्टर की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ डालूंगा, तो नीचे कमेंट करके बताओ यार आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो टाइट स्पेसेस पे जहाँ पे कपड़ा नहीं जा रहा है वहाँ पे आप ऐसे ईयरबड्स को यूज़ कर सकते हो। ऐसे आप अपनी गाड़ी के डोर हैंडल्स के स्क्रैचेस को बहुत आसानी से साफ कर सकते हो। सो नई वीडियो हर ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को आएगी गाड़ियों के ऊपर। सो अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है एंड और ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। सो यार आज के लिए बस इतना ही, आप ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का और मिलते हैं अगली वीडियो। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं आपको आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी गाड़ी के स्क्रैच